आपने उस दिन भी अगर देखा होगा जिस दिन पैचअप के लिए बुलाया गया था, मैं उस दिन भी खुश नहीं थी। मैं आज जो आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आज भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत हर्ट करवाया गया है, राखी ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। क्या आप खुश नहीं है मैं आज अकेली यहाँ पे आई हूँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा? खुश हूँ, लोग आपको राखी के साथ देखते हैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे कि मुझे यहाँ से इनविटेशन आया है ब्लू स्काई से, तो मेरे काम से रिलेटेड है, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो से रिलेटेड है। आपसे जानना चाहूँगा, आप और राखी दोनों एक साथ कहीं पे भी आते थे, दोनों एक साथ जाते थे, वो दोनों एक साथ मतलब एक बहन माना जाता था आप दोनों की जोड़ी को, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कोई रीज़न होगा आज दोनों एक साथ क्यों नहीं दिख रहे हो? देखिए, बहनें माना जाता था, बहनें हम आज भी है। बस यही है कि आज मेरे काम से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड ये इवेंट है, तो मेरा यहाँ आना, अकेला आना ज़रूरी था। सो इन दैट केस आई एम हियर। सो मैं दीना को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं अकेली आ जाऊँ। आपके और राखी के बीच में जो अनबन थी, फिर बाद में हमने देखा मीडिया के सामने खुला हुआ, अगर कुछ बताना चाहोगे उस टॉपिक पे, अब किस तरह से स्टैंड होती है आपकी और राखी की दोस्ती? देखिए, दोस्ती मुझे नहीं पता दोस्ती है, शायद मेरे पास इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। मैं अभी भी बहुत हर्ट हूँ। आपने उस दिन भी अगर देखा होगा जिस दिन पैचअप के लिए बुलाया गया था, मैं उस दिन भी खुश नहीं थी। मैं आज जो आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आज भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत हर्ट करवाया गया है, राखी ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मुझे टाइम लगेगा। क्या बोलते हैं, क्या आप मीडिया को बता सकते किस चीज को लेके आपका दिल दुखा है? मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं होगा, मैं आज ब्लू स्काई के इवेंट में आई हूँ। इस बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। थैंक यू।